बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार में सियासी लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद से ही लगातार प्रशांत किशोर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, और अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए कहा है कि किसी दल के नेता के साथ बैठकर चाय पी लेने और खाना खा लेने का मतलब ये नहीं कि आप एक नई रणनीति बना पा रहे हैं या एक नए नैरेटिव सेट कर ले रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार आज भी वही है जहां 2004-5 में थे। बिहार आज भी गरीब और पिछड़ा ही है। ऐसे में नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकजुटता की बात करनी महज एक बेईमानी है। आज भी लोग बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं और शिक्षा की स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही है। आज भी देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या बिहार में ही है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चैलेंज करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार 500 लोगों के बीच में बैठकर एक चर्चा कर लें, उनको पता चल जाएगा। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने इतना विकास किया है कि अगर वो 500 लोगों के साथ पंचायत कर लें तो लोग उनको फूलमाला से ही स्वागत करेंगे। एक बार करके तो देखें। बता दें कि जेडीयू नीतीश कुमार को इन दिनों पीएम मटेरियल बताते नहीं थक रही, और हाल ही में नीतीश कुमार कई सारे दलों के नेताओं के साथ बैठक कर दिल्ली से बिहार लौटे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी लगातार नीतीश कुमार की आईना दिखाने से बाज नहीं आ रहे। मिलने से, बैठ के चाय पीने से, साथ में खाना खाने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई एक नई रणनीति बना पा रहे हैं या कोई बेहतर नैरेटिव बना पा रहे हैं या कोई बेहतर संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर पा रहे हैं। आप दिल्ली में बैठकर अगर किसी के साथ मीटिंग कर लेते हैं या प्रेस वार्ता कर लेते हैं या साथ में खाना खा लेते हैं, उससे विपक्षी एकता और उस एकता का कोई परिणाम जमीन पर आएगा? बिहार जहाँ 2004-5 में था वहीं पर दूसरे राज्यों के मुकाबले आज भी वहीं पर खड़ा है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। आज भी यहाँ से पलायन की स्थिति वही बनी हुई है। आज भी यहाँ पर देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग रहते हैं। आज भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारों, सबसे बड़े बेरोजगारों की संख्या बिहार में ही। चैलेंज कर रहा हूँ नीतीश जी, सरकारी अमले और सरकारी सुरक्षा के बगैर जिस पंचायत में भी चाहें वहाँ पर बैठ के 500 लोगों से चर्चा कर लें। आप देख लीजिए अगर वो कर पाते हैं तो। अगर आपने इतना ही विकास किया है तो लोग तो आपको एकदम फूल माला बरसाएंगे आप पर। आप जाइए जरा कर। कोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।